स्थल शिव मंदिर के पुजारी की अचानक रामगंगा नदी में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शिव मंदिर के पुजारी 88 वर्षीय मथुरा दत्त भट्ट निवासी धामी गांव सोमवार को रामगंगा नदी में पानी भरने गए थे। इसी बीच पैर फिसलने से वह नदी में जा गिरे। एसआई योगेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम उन्हें रेस्क्यू कर पीएचसी लाई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुआनी से जगन्नाथ मंदिर जा रही एक पिकअप सोमवार की रात 9:30 बजे मुनापानी के पास 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में वाहन चालक भंडारी गांव निवासी 28 वर्षीय नितेश चंद्र छिटक गया। उसे 108 वाहन से रात में ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सक गौरव ने बताया कि नितेश के सिर और छाती में हल्की चोट है, उसकी हालत सामान्य है। तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग पर कार्य के दौरान पहाड़ दरकने से गिरी चट्टान की चपेट में आने से नेपाली श्रमिक की मौत हो गई। सोमवार को अपराहन काकड़पानी पर सड़क निर्माण चल रहा था, जिसके चलते अचानक पहाड़ टूटकर गिर गया। विशाल चट्टान की चपेट में आने से ग्राम गोलाले वार्ड नंबर 6 बैतड़े नेपाल निवासी 30 वर्षीय कालूराम और पुत्र नदीराम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर धारचूला कोतवाल के एस रावत, आन सिंह मेहरा, हरिओम शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाल धारचूला पहुंचाया। बता दें कि श्रमिक पिछले एक माह से सड़क कार्य में मजदूरी कर रहा था। श्री रामलीला कमेटी पिथौरागढ़ की ओर से आयोजित वरिष्ठ लोगों की रामलीला में सोमवार की रात अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण को शक्ति लगना और कुंभकर्ण व्रत तक का मंचन किया गया। श्री राम के दल की ओर से अंगद को दूध बनाकर रावण को समझाने भेजा जाता है। घमंड के मद में चूर रावण अंगद की बात को अनसुना कर देता है। अंगद की चुनौती पर रावण उसका पैर उठाने के लिए जो ही झुकता है, इस पर अंगद रावण से श्री राम के चरणों में झुकने को कहता है। बाद में युद्ध होने पर मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। दर्शकों ने संजीवनी से लक्ष्मण के ठीक होने और कुंभकर्ण व्रत की रामलीला तक के मंचन का आनंद लिया। धारचूला के ग्राम पंचायत खुमती के प्रधान गोपाल सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंप, नेटवर्क के अभाव में एनएमएमएस के तहत एमआर भरने के बजाय ऑफलाइन माध्यम से ही एमआर भरने की स्वीकृति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खुमती नेटवर्क विहीन क्षेत्र है, मनरेगा के अंतर्गत मस्ट रोल नेटवर्क के अभाव में नहीं भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हित को देखते हुए मस्ट रोल भरने की पूर्ववत व्यवस्था रखी जाए। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।